प्रोजेक्ट फेलो क्या होता है कि भाई डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उनको रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है। आपने सुना होगा ना कि जैसे भाई आपको आपने सुना होगा कि जो सैमसंग वगैरह है, ये गोरिल्ला ग्लास वगैरह बनाते हैं, ठीक है, मतलब इनको सैमसंग को भाई अपनी क्या बोलते हैं जो डिस्प्ले है उसकी मान लिया क्वालिटी इंप्रूव करनी है, या किसी कोई भाई कोई दूसरी कंपनी है उसका कोई प्रोडक्ट है उनको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, लेकिन उनके पास अच्छे से भाई अच्छी एक R&D ब्रांच नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्रांच नहीं, तो क्या करते हैं वो अपनी रिसर्च को एक तरह से भाई क्या बोलते हैं आउटसोर्स कर देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। वो बोलते हैं भाई वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जाएंगे और ये बोलेंगे कि भाई हमको ऐसे हमारी भैया ये रिक्वायरमेंट है, हमको हमको अब हमारे हमारे भाई डिस्प्ले के अंदर इतनी ब्राइटनेस चाहिए, ठीक है, हमको ये मटेरियल चाहिए, ठीक है। और तो जिन यूनिवर्सिटीज़ में जिन प्रोफेसर का काम उस फील्ड में होता है वो उनसे करते हैं कॉन्टैक्ट और उनको अपनी जो प्रॉब्लम वो बताते हैं, फिर वो प्रोफेसर और उनको ये बोलते हैं भाई फिर और कंपनी वाले उनको ये बोलते हैं कि हम आपको भाई क्या बोलते हैं 5 साल के लिए भाई ये फंडिंग करेंगे और 50 लाख का आपका भाई ये होगा प्रोजेक्ट, ठीक है, 50 लाख में से आप भाई 30 लाख के इंस्ट्रूमेंट परचेज कर सकते हैं, 20 लाख आप भाई कोई जो एसोसिएट है वो हायर कर सकते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट फेलो। तो ये जो प्रोजेक्ट फेलो हैं तो इनको बोलते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट, ये गवर्नमेंट फंडेड भी होते हैं और ये प्राइवेट कंपनीज के भी होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहते हैं, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन प्रोजेक्ट्स को ले तो लेती है और फिर वो जो प्रोफेसर है जिसने वो प्रोजेक्ट लिया है वो उसके लिए एडवर्टाइज करता है, वो कहता है कि भाई मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया हुआ है इस फील्ड के अंदर, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के अंदर मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, भाई हमको इस फील्ड में यहाँ पर ऐसा कुछ काम करना है और मैं एक स्टूडेंट लेना चाहता हूँ, ठीक है, उसको भाई क्या बोलते हैं 20 लाख रुपए मिलेंगे 5 साल के अंदर, ठीक है, उसको यानी कि उसको एक मंथली स्कॉलरशिप उसको दी जाएगी, यानी कि वो प्रोफेसर अपनी जेब से वो पैसे नहीं दे रहा। अगर प्रोफेसर को ये मानो भाई पैसे मिले हैं 50 लाख 30 लाख रुपए तो भाई क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, ठीक है, बाकी जो भाई एक्सपेंसेस उनके लिए, और 20 लाख उसको मिले हैं कोई रिसर्च एसोसिएट हायर करने के लिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट निकाल देते हैं, फिर जो बच्चे नेट क्वालिफाइड हैं वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और फिर उनको वो जो प्रोजेक्ट के अंदर जो भाई जो अलॉटमेंट है जो 20 लाख की उनको वो मंथली मिलनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपको भाई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता करना पड़ता है कि भाई कहाँ पर प्रोजेक्ट फेलो अवेलेबल है और कहाँ पर प्रोजेक्ट फेलो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आप ही माने, या तो आपका JRF हो गया आपको फेलोशिप वहाँ से मिल जाएगी, अगर आपका JRF नहीं होता तो आपका अगर नेट है तो भैया आप क्या बोलते हैं स्टेट JRF आप क्लेम कर सकते हैं, स्टेट JRF आपको नहीं मिलता है तो आप प्रोजेक्ट फेलो बन सकते हैं, यानी कि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च प्रोजेक्ट आए हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से या भाई प्राइवेट कंपनीज की तरफ से आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको फेलोशिप मिल जाती है।